नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज़, और वो ऐसी है कि वेस्ट इंडीज के फैंस को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं कि जो भी फैन वेस्ट इंडीज टीम का फैन हो वो इस वीडियो को लाइक करे। अब बात करते हैं कि चोट तो काफ़ी खिलाड़ियों को लगी है, लेकिन ये चोट ऐसी है कि वेस्ट इंडीज के अरमानों को चोट लगी हो, ऐसी चोट है जो जिस खिलाड़ी को लगी है, क्योंकि वो खिलाड़ी खासम खास खिलाड़ी है जो वेस्ट इंडीज की टीम उन पे डिपेंड करती है, ऐसा खिलाड़ी है, और वो है आंद्रे रसल। हाँ दोस्तों, आंद्रे रसल को चोट लगी है और वो अब पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं, और वो अब वर्ल्ड कप आगे का नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए उनकी जगह सुनील एम्ब्रिश को भेजा गया है, और भारत के सामने वो भी खेल सकते हैं ऐसा लगता है, और भारत के सामने आंद्रे रसल नहीं खेल पाएंगे। तो अब बात करते आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में चोटों का सिलसिला जारी है। चोट की मार वेस्ट इंडीज की टीम पर लगी है। उसके ऑलराउंडर आंद्रे रसल जो चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रसेल के बाएं घुटने में चोट लगी थी। रसेल की जगह सुनील एम्ब्रिश को विंडीज टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आंद्रे रसल की फिटनेस काफ़ी ख़राब थी, वो हर मैच में चोटिल हो रहे थे। गेंदबाजी के दौरान वो कई बार लंगड़ाते हुए देखे गए, लेकिन वो फिर भी मैच में उतर रहे थे, जिसका विंडीज टीम को फायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2019 में आंद्रे रसल से वेस्ट इंडीज को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो उन पर खरे नहीं उतर पाए, और रसेल ने इस वर्ल्ड कप में 3 पारियों में महज 36 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 21 रन है। गेंदबाजी में ज़रूर उन्होंने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी। हालांकि इसके बाद खराब फिटनेस ने उनकी गेंदबाजी को भी खराब कर दिया। उन्होंने 4 मैचों में 5 विकेट झटके हैं, लेकिन अब ये चोट से वेस्ट इंडीज टीम क्या उभर पाएगी, आपको क्या लगता है दोस्तों? जो आपको लगता हो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं।